नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री शिक्षा। और एग्री शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन लोग बहुत ही एक लंबा क्लास होने वाला है, क्योंकि देखो इसके साथ अभी मैं जनरल एग्रीकल्चर की जो क्लासेस है उसको आज मैं पूरा आपका कंप्लीट कर दूंगा, जनरल एग्रीकल्चर को लेकर के, ठीक है। इसके साथ ही अपन जो भारतीय कृषि में अभी तक के क्या क्या हुआ, आधुनिक की बात करें चाहे अपन जो ओल्ड कृषि है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड नॉलेज है उसको लेकर के बात करेंगे, और साथ में ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो भारतीय कृषि के इतिहास में हुआ है, ठीक है, तो अपन उसको लेकर भी पूरा डिस्कस करने वाले। तो क्लास बहुत लंबी होने वाली है, हो सकता है कि बहुत कम समय में समाप्त करूँ, क्योंकि देखो उतना डीपली तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, डीपली पढ़ाऊँगा भी नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स का समय है और क्रैश कोर्स के लिए आपको जितना हो सके बहुत कम और शॉर्ट वे में, बहुत शॉर्ट वे में आपका जो नॉलेज है वो इतना रहना चाहिए। ज़्यादा आपको नॉलेज पूरा ब्रह्मांड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका नॉलेज यदि आपका ये सही है तब आपका अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट पढ़ना है तो कैसे कवर करोगे, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन बात करते हैं पहले प्राचीन कृषि का इतिहास, ठीक है। प्राचीन कृषि का इतिहास सब लोग पढ़े होंगे क्लास वगैरह में, अभी जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ वैसा पढ़ो क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। प्राचीन कृषि के इतिहास में क्या हुआ कि 87 ईस्वी पूर्व में भेड़ का पालन शुरू हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे कि भेड़ का पालन 87 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ, ठीक है। तो भाई ये भेड़ में देखे होगे कि जो उसका क्या बोल सकते हैं अपन, जो उससे भेड़ से ऊन निकलता है, ठीक है, ऊन, ठीक है। अब ऊन को बना दिए एट, ठीक है, एट बना दिए। अब उसमें कहीं देखना कि एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ऊन लिखा रहता है, ऊन के जो उसमें लिखा रहता है 7 का चिन्ह बना रहता है, एक ट्रिक दे रहा हूँ, ऐसी हो गया ना 87, ऐसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी ट्रिक बना लो, ऊन लिखो भेड़ से क्या प्राप्त होता है, अरे 8 बन गया। अब आप भूलोगे नहीं, देखना इसको, 87 ईस्वी पूर्व में भेड़ का पालन शुरू हुआ था, ठीक है, ठीक है। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जब पुर्तगाली भारत आए, ठीक है, तो भाई भारत आए तो भारत किससे आए, जहाज में आए, ठीक है, ये अपना जहाज है, ठीक है। उन लोग बड़ा मस्त आराम से आ रहे थे, उन लोग पुर्तगाली लोग। फिर क्या हुआ, कब की बात है, 16वीं शताब्दी में, ठीक है। तो उन लोग को भाई अब उन लोग को खाना बनाना था, ठीक है। तो खाना बनाने के लोग उन लोगों ने अपने साथ में क्या क्या रखा था, एक तो टमाटर रखा, ठीक है, एक रखा आलू सब्जी में, ठीक है, और मिर्च रखा। मिर्च के बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा भाई, देखो अब जहाज़ में तो ज़्यादा चीज़ नहीं रख सकते हैं, तो आलू टमाटर मिर्च ये तीनों की उत्पत्ति हुई है मैक्सिको से, ठीक है, आपको भी पता है, ठीक, ये तीन चीज़ रख लिए। अब मस्त खाना वाना आराम से बनाए, फिर क्या किए, खाने लग गए खाना वाना बना के। अब बोले कि भाई खाना तो हो गया, अब दोपहर का जो भोजन है उसमें क्या रखें, अब आलू टमाटर मिर्च दिन भर थोड़ी खाते रहेंगे, तब बोले कि नहीं थोड़ा फल के रूप में कुछ फलाहार बोलते हैं उसको ला लिए, जैसे अमरूद, ठीक है, अनन्नास हो गया, ठीक, पपीता ले आए, ठीक है। वैसे पपीता की उत्पत्ति तो भारत से माना जाता है, लेकिन इसमें दिया है तो अपन पपीता ले सकते हैं, ठीक है, पपीता ले आए, शकरकंद, अब ये सब ये तीन चीज़ ला लिए। देखो सब्जी बनाने के लिए क्या क्या लेके आए, याद करा, आलू मिर्च और टमाटर, और बोले कि थोड़ा फलाहार चाहिए भाई, क्योंकि आलू मिर्च टमाटर थोड़े खाते रहेंगे दिन भर, तो अमरूद पपीता शकरकंद अनानास ये सब लेके आ गए। अब बोले भाई, अब उन लोग भी बड़े बदतमीज आदमी थे, आए तो आए लेकिन गलत चीज़ भी लेके आ गए, क्या चीज़, जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, तंबाकू। अब भाई ये तो आजकल देखे होगे, जानते हैं आदमी की खाना नहीं है हानिकारक है, फिर भी खाते हैं, ये तंबाकू भी लेके आ गए।
अब कपास क्यों लाए होंगे, तो कपास भाई सोने के लिए लाए होंगे शायद, क्या पता उन लोग भी दिए विए वगैरह जलाते होंगे। एक लॉजिक से याद करा रहा हूँ ठीक है। मूंगफली क्यों लाए, आप लोग समझ गए होंगे कि मूंगफली एग्जाम्पल नहीं बोलूँगा ठीक है, तो याद हो गया। देखो, पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में आलू मिर्च और टमाटर ठीक है सब्जी बनाने के लिए, या सब्जी वब्जी नहीं पूछेगा, आपको याद करा रहा हूँ ताकि देखो क्वेश्चन क्या आएगा, दे देगा पुर्तगाली द्वारा क्या नहीं लाया गया था, नहीं लाया गया था ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो याद करा दिया ठीक है। 1845 में क्या हुआ है कि आयरलैंड में मतलब यूरोप में आलू में पछेती झुलसा बीमारी देखने मिल गया भाई, कि जिससे क्या हो कि आलू का जो पौधा था, देखो आलू तो अंदर में बनेगा ठीक है, उसका ट्यूबर बोले तो ट्यूब बोले या जो भी है आलू अपन, वो अंदर में बनेगा, तो पौधे में अचानक ऐसा दिखाई देने लगा कि पौधा का पत्ती है वो पूरा सूखने लगा और पूरा सूख के गिरने लगा ठीक है। जो इसका जो अपन बोले कि एजेंट है, कॉस्टिक एजेंट है ये, क्या फाइटोथोरा इन्फेस्टस फंगस था, फंगस बीमारी था, इस कारण से ये चीज़ दिखाई देने लगा। तो इसके बाद से क्या हो कि आलू की जो सारी फसल है वो वहाँ नष्ट हो गई ठीक है। तो आयरन ये अक्सर करके पूछता कि पछेती झुलसा बीमारी के कारण आयरलैंड यूरोप में आलू में की फसल नष्ट हो गई, इस घटना को आलू का अकाल या महामारी के नाम से जाना जाता है। 2200 ईस्वी पूर्व में धान की खेती की शुरुआत की गई ठीक है। बकरी पालन शुरू हुआ 77, भेड़ का रखना याद रखना 87, गेहूं और जौ का रखना 75 ईस्वी पूर्व में ठीक है। मक्का का इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है BHU में, 44 ईस्वी पूर्व में ठीक है। बाकी तो अभी नहीं पूछा है, ये बस आया है कृषि के इतिहास में ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3500 में आलू की खेती, 1500 में ईस्वी पूर्व में फल व सब्जी की खेती की शुरुआत की गई ठीक है, इसको याद रख लो ठीक है। एक बार जनरल सा याद करा देता हूँ कि देखो धान की जो खेती की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 2200 ईस्वी पूर्व में ठीक है। 2200 ईस्वी पूर्व में आपकी धान की खेती की शुरुआत हुई थी ठीक है, धान उगाना शुरुआत किए थे। अब भेड़ और बकरी तो पता है, भेड़ का 87 ठीक है और बकरी का है 77 ठीक है। अब देखो धान पहले आया, उसके बाद गेहूं जौ, गेहूं जौ का आया 75 ईस्वी पूर्व में, बकरी पालन के 2 साल बाद ठीक है, 77 बकरी पालन के 2 साल पहले ठीक है, इसमें माइनस करो 2 ईयर, तो 75 ईस्वी पूर्व में क्या आया, बकरी पालन अपना क्या बोले कि गेहूँ और जौ की खेती की शुरुआत की गई ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है मक्के की खेती इंपॉर्टेंट है, 44 ईस्वी पूर्व में की गई ठीक है, आलू 3500 ईस्वी पूर्व में। चलो आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा पढ़ लेना यार देख के। आधुनिक कृषि के इतिहास में देखें तो कब कब क्या हुआ क्या बना इसके बारे में ठीक। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र पुणे 1875, इसको इतना ज़्यादा क्या डिस्क्राइब करूँ। प्रथम सिंचाई आयोग 1901, IERI पिछले वीडियो में बताया था, ICER के बारे में भी बताया था ठीक है। चलो कमेंट कर दो, ICER का जो अभी चेयरमैन है वो चेंज हो गया है, नहीं नहीं वही है डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा ही है ठीक है। NDDB का चेंज हुआ, NDDB का चेयरमैन कौन है भाई, उसको कमेंट कर दिए रहो। चलो 1943 में बंगाल में देखो आलू में जैसे फाइटोप्थोरा फंगस आया था ना, उसी प्रकार क्या हुआ कि 1943 में पश्चिम बंगाल में धान का भयंकर मगार पड़ गया, उसको धान की भूरा पत्ती धब्बा रोग ठीक है, या गुलाब, उस धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग बोलते हैं, बस इतना ही याद रखो ठीक है। धान का अकाल पड़ा था भयंकर ज़्यादा, इसको और बोलते बंगाल फेमाइन, बंगाल इंग्लिश में लिख के आया था, बंगाल जैसे हिंदी में लिख के बताया था, ये बंगाल हो गया ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मतलब बंगाल, हिंदी बंगाल फेमाइन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ठीक है, 1943 से संबंधित है ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का क्वेश्चन, आपके में एक्सटेंशन वगैरह नहीं दिया, इसको मत देखो यार, फालतू का चीज़ पढ़ने से कोई मतलब नहीं, जितना आता है उतना पढ़ाता है, उसी के आसपास क्वेश्चन घूमेगा। 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई। 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो भाई, पंतनगर में ठीक है, इसका कोई जिला था यार इसका, मतलब अभी क्वेश्चन ना पंतनगर नहीं पूछता है, कोई एक शहर का नाम है, उस शहर के नाम से क्वेश्चन पूछा था अभी पिछले ईयर, कुछ एग्जाम हुआ था उसमें देखा था, RAO में आया था पंतनगर, ना पंतनगर के नाम से मत पढ़ना,
पंतनगर है ठीक है, एक कोई इसका वो होगा कुछ और, कुछ अलग ही टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा था, देखना पड़ेगा, आरओ में आया था ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि में भूमि का उपयोग, कुल भौगोलिक क्षेत्र याद रखो ठीक है, 329 मिलियन हेक्टेयर, और छत्तीसगढ़ में 13.7 मिलियन हेक्टेयर। शुद्ध कृषि क्षेत्रफल 1.41, छत्तीसगढ़ में 4.83। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल ठीक है, देखो शुद्ध कृषि और शुद्ध सिंचित क्या है, तो दोनों अलग अलग है ठीक है। शुद्ध कृषि मतलब अपन इतने भाग में कृषि करते हैं, इतने भाग में अपन शुद्ध पानी अपने पास अवेलेबिलिटी है, अपन मतलब जो साधन है उससे अपन क्रॉप वगैरह उगा सकते हैं ठीक है। फसल सघनता भाई इसको मत मानना, अभी चेंज हो गया है, 143% है ठीक है, अब 143 के हिसाब से पूछेगा ठीक है, 141 से 143 के रेंज में जहाँ भी मिले आप आंखें मूंद के माना, लेकिन पहले 143 माना ठीक है। छत्तीसगढ़ में 134 है ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा 1190 ठीक है, और छत्तीसगढ़ में थोड़ा ज़्यादा होती है, 1290 से 1390। बरानी क्षेत्र पर वर्षा आधारित 60% ठीक है, जिस क्षेत्र पर वर्षा मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर का कार्य है, जैसे एक एरिया है इस एरिया में लोग क्या करते हैं कि जितने भी आपके एग्रीकल्चर का कार्य है देखो यहाँ पर वर्षा आधारित है, मतलब बरानी क्षेत्र पर बोले, यहाँ के लोग वर्षा पर आधारित नहीं होता, यहाँ के लोग कुआं नलकूप ट्यूब मतलब दोनों एक ही हो गया ठीक है, तो वही आप समझ गए होंगे, ज़्यादा बताना। कृषि जलवायु जोन, हाँ ये क्वेश्चन पूछता है 15, छत्तीसगढ़ में 3, पिछले वीडियो में बोल रहा था कि 3 आता है, इस बार इस क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल ही नहीं दिया था, 14 दिया था, 11 दिया था, 12 और नन ऑफ दिस दिया था, तो आंसर नन ऑफ दिस होता है। ऑक्सीजन ऊपरी पत्तियों में पाया जाता है, सिंपल से बताया था, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का जो सचुरेशन रहता है, ये अगर कोई पौधा है तो ये प्रांकुर चोल बोलते हैं, इस प्रांकुर चोल में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये ऊपर वाला भाग रहता है, उसमें ऑक्सीजन मिलता है आपको ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है ठीक है, लेकिन उसका अगर पौधे के बारे में देख रहे हैं तो इसमें ठीक है। कृषि जलवायु जोन से जुड़े हुए यंत्र हैं उनका उपयोग, चल जल्दी जल्दी बता देता हूँ भाई, सॉइल थर्मामीटर मृदा का तापमान, टेंसियोमीटर मृदा की नमी, हाइग्रोसाइक्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता, पेडोमीटर वाष्पोत्सर्जन, पोडोमीटर है ठीक है, पेडोमीटर नहीं पोडोमीटर, एनेमोमीटर वायु की गति है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब है, ऑक्सीनोमीटर पौधों की वृद्धि को मापने का यंत्र है, विंड वेन वायु की दिशा ज्ञात करना ठीक है, पोरोमीटर पोर्स मतलब समझिए पोर्स से समझना, देखो आप लोग अब बना लेने यार थोड़ा सा ट्रिक ठीक है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, पीजोमीटर पानी की सतह से गहराई मापने वाला यंत्र इंपॉर्टेंट है आ भी चुका है, पिकनोमीटर मृदा का अपेक्षित घनत्व ये भी आ चुका है, रेन गेज वर्षा मापी का यंत्र है, डायनोमीटर किस यंत्र का खिंचाव ज्ञात करने वाला ये भी आ चुका है, मैनोमीटर जड़ क्षेत्र में दबाव ज्ञात करने वाला यंत्र ठीक है, एक बार रिवीजन करा देता हूँ सिंपल से। सॉइल थर्मामीटर का क्या करता था, मृदा का तापमान ज्ञात करना, टेंसियोमीटर है मृदा की नमी, थर्मामीटर मतलब समझ रहे हो तापमान ज्ञात करना तो सॉइल का ठीक है, हाइग्रो या साइक्रोमीटर है अपेक्षिक आर्द्रता, पोडोमीटर है वाष्पोत्सर्जन मापने का, एनेमोमीटर वायु की गति, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, ऑक्सीनोमीटर है किसको अगर पौधे की वृद्धि, विंड वेन इसे ज्ञात करने वाला यंत्र, पोरोमीटर मृदा का रंध्र स्रोत ज्ञात करने वाला यंत्र, लैक्टोमीटर पीजोमीटर पिकनोमीटर रेन गेज डायनेमोमीटर मैनोमीटर। भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण बिंदु, 1 जून से 31 मई तक कृषि वर्ष मनाया जाता है ठीक है, वित्तीय वर्ष कब रहता है, 1 अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको भी पूछता है ठीक है, वित्तीय वर्ष है, आय व्यय लेखा जोखा जो अपन जो फार्म का डायरी बनाते हैं वो यहीं से बनाते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। झूमिंग खेती है, स्थानांतरित खेती, इसका लैंड बर्न भी बोलते हैं इसको, या टोंगिया बोलते हैं, भारत के पूर्वी राज्यों में देखी जाती है ठीक है, असम वगैरह में अक्सर, अभी डायरेक्ट उठा के पूछता है कि इसके बारे में असम बोल के अक्सर करके यहाँ ज़्यादा दिखाई देता है ठीक है, और एक आध दो राज्य होगा। गेहूं के लिए सिंचाई की प्रमुख अवस्था है क्राउन रूट इनिशियल स्टेज में ठीक है, गेहूं में मुख्य जड़ बुआई के 21 दिन बाद जड़ निकलता है ठीक है, गेहूं में जब अपन मुख्य जड़ कब निकलता है, बुआई के 21 दिन बाद, गेहूं में कुल 6 सिंचाई की जाती है इसको याद रखो ठीक है, कुल 6 सिंचाई की जाती है ठीक है। टेट्रोजिलियम टेस्ट बीजों की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसको याद रखो आप लोग ठीक है, बीजों की जीवन क्षमता के लिए। पावर टिलर यंत्र का प्रयोग धान के खेत में किया जाता है, इसको याद रखो, अच्छा धान के खेत में किया जाता है लेकिन जापान में सबसे पहले किया गया था ठीक है। तनली फसलों के दानों में मिथ्योनिन अमीनो अम्ल पाई जाती है ठीक है, ये मिथ्योनिन अमीनो अम्ल पाई जाती है, तथा चावल मक्का अनाज और खाद्यान्न की फसल में लाइसिन नामक अमीनो अम्ल पाई जाती है ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, कृषि लागत मूल्य आयोग CACP मतलब सेंट्रल एग्रीकल्चर, CACP मतलब सेंट्रल कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये तो MSP है ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत मतलब सेंट्रल एग्रीकल्चर सेंटर प्राइस हो सकता है शायद ऐसा कुछ है, मतलब
यार लागत कैलकुलेशन प्राइस ऐसा कुछ है, मतलब सी एस